अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रूज फातिमा, माय रोल नंबर इज़ 12 एंड माय क्लास इज़ BSc सिक्स मॉर्निंग। मेरे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले मेन्यू ऑफ। नंबर वन, एंटर एफ टू कैलकुलेट फैक्टोरियल, जिसमें फैक्टोरियल डिस्प्ले करवाना है और जबकि वो जो नंबर है वो यूजर से लेगा। एंटर GCD टू कैलकुलेट कॉमन डिवीजन ऑफ टू नंबर्स, इसमें भी वो नंबर जो है वो यूजर से इनपुट कराएगा। यहाँ पर मेरे पास इसका कोड मैंने पेस्ट किया हुआ है और यहाँ पे इसकी आउटपुट शो हो रही है। चलिए अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं क्लिप्स में। सबसे पहले मैंने जावा स्कैनर की फाइल पैकेज इंपोर्ट करवा लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लास जो क्रिएट की, मैंने उसमें ही अपनी मेन क्लास क्रिएट कर ली। उसके बाद मैंने स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो कि मेरा इनपुट लेने के लिए यूज़ होगा। मैंने मेन्यू और एंटर एफ टू एंटर फैक्टोरियल एंड GCD टू फाइंड कॉमन डिविजनर, ये आउटपुट यूज़र को शो करवाए। और उसके बाद मैंने अपना जो स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर स्कैनर क्रिएट किया था उसका स्ट्रिंग मैंने अपना स्टोर करवा लिया एफ के अंदर। उसके बाद मैंने अपने स्विच केसेस यूज़ किए हैं, मैंने दो स्विच केसेस यूज़ किए हैं। सबसे पहले हम पहले की तरफ जाते हैं, मैंने यहाँ पे कैपिटल GCD और स्मॉल GCD यूज़ किया है स्मॉल लेटर्स में। यहाँ पर मैंने स्कैनर GCD का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जो कि दो नंबर जो है हमारे इनपुट करवा रहा है। उसके बाद मैंने फैक्टोरियल का केस यूज़ किया जिसमें कैपिटल एफ और स्मॉल लेटर एफ यूज़ हो रहा है। यहाँ पर मैंने उसका स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ पर, जिसका मतलब है कि वो यहाँ पे जो नंबर यूज़र एंटर करेगा उसको स्टोर करके उसको फैक्टोरियल दे। और यहाँ पे मैंने उसका फंक्शन कॉल कर लिया। मैंने केसेस में अपने इनपुट लेने के बाद डायरेक्ट अपने फंक्शंस को कॉल किया है। ये मैंने GCD का फंक्शन कॉल किया और यहाँ पे मैंने फैक्टोरियल का फंक्शन कॉल किया है। एज इट इज़ ऐसे ही मैंने एक और केस यूज़ किया है जिसमें कि मैंने से उसका ऑब्जेक्ट डिफरेंट रखा है और वर्किंग उसकी एज इट इज़ हो गई है कि हमने फैक्टोरियल और GCD अगर एक साथ हमने शो करवाना है तो हम उसको कैसे ले सकते हैं, इजीली ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ तक आके हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है और यहाँ से जाके मैंने फंक्शंस क्रिएट किए। फंक्शंस की वर्किंग, सबसे पहले मैंने इंटीजर RAB लिया। R स्टार्ट हो रहा है हमारा जीरो से। यहाँ पे जो है ग्रेटर नंबर फाइंड कह रहा है, यहाँ पे जो है वो फाइंड कह रहा है कि बी स्मॉलर नंबर कौन सा है। और यहाँ पे कंडीशन लगा दी है इफ़ ए मॉडुलस बी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, तो वो क्या करे, ए मॉडुलस बी को R में स्टोर करवा दे, ए को बी में स्टोर करवा दे और बी को R में, और हमें एंड पे R रिटर्न करवा दे। उसके बाद मैंने फैक्टोरियल का फंक्शन क्रिएट किया। फैक्टोरियल का फंक्शन मैंने सबसे पहले इंटीजर I और F इज़ इक्वल टू 1। F को मैंने इसलिए इक्वल टू 1 दिया क्योंकि हम किसी भी नंबर जो मैंने जिसका फैक्टोरियल फाइंड करना है अगर मैं उसको जीरो से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे जीरो आंसर आएगा। इस वजह से मैंने 1 एफ को मैंने 1 से लिया। यहाँ पे मैंने फॉर लूप लगाई है, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू नंबर एंड आई प्लस प्लस, जो कि शो करवा रहा है कि जो आई हमारे पास लूप का इंटीजर है वो 1 से स्टार्ट हो और जब तक हमारे पास नंबर आ नहीं जाता वो तब तक उसको उसकी लूप चलती रहे और इंक्रीमेंट होता रहे। एफ़ का फॉर्मूला हमारे पास ये है, एफ़ इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई आई, यानी कि हमारे लूप के साथ वो मल्टीप्लाई होता रहे। उसके बाद मैंने यहाँ पे फैक्टोरियल अपना डिस्प्ले करवा दिया और यहाँ पे मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे मैं इसको रन करके देखती हूँ। ये मेरे पास मेन्यू आ रहा है, यहाँ पे मैं सबसे पहले एफ प्रेस करूँगी। यहाँ पे मैंने 6 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, ये मेरे पास 6 का फैक्टोरियल आ गया 720। उसके बाद मैंने यहाँ पे अगेन उसने मुझसे पूछा क्या लेना है अगर मैं इसको GCD स्मॉल लेटर्स में करूँ। उसके बाद वो नंबर्स पूछेगा, यहाँ पे मैंने अपने 75 एंटर किया। उसके बाद मैं 125 एंटर करूँगी और यहाँ पे मुझे वो GCD टू नंबर्स की शो करवा देगा, आंसर है 25। थैंक यू।